आपको वो भी इशू हो जाता है। इस पे भी वीडियो मौजूद है, सुग्रंथ सा सुसियाल पे। अच्छा, सही है। चलिए ये हो गया, ठीक है। फिर तो फिर अगर सोशल सिक्योरिटी आ जाता है और कंपनी, अगर मैं फॉर्म करके सीधा आर्टिकल 189 में अपना अप्लाई कर सकता हूँ, करेक्ट? बिल्कुल आप कर सकते हैं, और आपके पास बस रेजिडेंस कार्ड है, 91 में अपनी फाइल लॉक कर सकते हैं। अच्छा, हाँ हाँ दूसरा इसमें ये बैंक अकाउंट के हवाले से भी ना थोड़ा सा ये मजीद इसमें ये थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि हाँ लोगों ने बैंक अकाउंट को इतनी बड़ी टेंशन बना लिया है। इतनी बड़ी टेंशन नहीं, चलें ये फैसल अलवी साहब ने तो जैसे कहा कि जी मेरे पास उधर इतने पैसे हैं, यहाँ पे लेके आने हैं, लेकिन हर कोई बंदा फैसल अलवी साहब की तरह, चाहे वो मैं ही हूँ, मैं इतना नहीं हूँ कि मुझे बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी कि मैंने अपने वो पैसे सिर्फ मैं बैंक में रख के ही अपने आप को सेफ फील करूंगा, तो जितने थोड़े बहुत पैसे मेरे पास होंगे मैं अगर अपनी जेब में भी रख के ले आऊंगा तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो कुछ लोगों ने कुछ चीजें अपने ऊपर ना वो फर्ज कर ली है कि जब मैंने जाना है, मैंने ये काम भी लाजमी करना है जनाब, मैंने बैंक का अकाउंट भी लाजमी खोलना है। अगर बैंक का अकाउंट 10-20 दिन, महीना, एक नहीं भी खुलेगा तो कोई कयामत नहीं आने लगी। और ना खास रिक्वायरमेंट है, आपने कोई D7 वीजा नहीं अप्लाई करना, वो दूसरे कंट्री से जो आपको बैंक अकाउंट लाजमी चाहिए। और वहां से पाकिस्तान से 10,000 यूरो तक लेके आ सकते हैं बिना डिक्लेयर करे, तो वो भी मसला नहीं है। आप 9,000 यूरो लेके आओ तो 9,000 यूरो तो बहुत अमाउंट है, आपको डिक्लेयर करने की भी जरूरत नहीं है। वही तो मैं, अब यहाँ पे जितने भी आने वाले इमिग्रेंट्स हैं, मेरे समेत कितने लोगों के पास 10,000 यूरो जेब में अवेलेबल है सही बात कि है, उन्होंने 10,000 हो तो फिर बंदा आ ही जो ना। हाँ करेक्ट, सही बात है। चलिए ठीक है आदिल भाई, बाकी थैंक्स अलॉट पूरे प्रोसेस में गाइड करने के लिए। मेरे को सबसे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू ही मिली है, तो और कैसा कुछ जा भी रहा है डाउट आपका होगा एक्सपीरियंस, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह? बहुत इजी रहा। मेरे सब लोग इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि मैं ओबिडोज में हूँ, तो लीरिया में। और यहाँ पर क्या किस्मत मेरी अच्छी है कि हर कोई बंदा अभी तक जो मिला इंग्लिश बोलता है। फाइनेंशियल्स वाला मेरा 2 मिनट में उसने निफ नंबर दे बना दिया। हेलो, दो अरे मिनट में उसने, हाँ 2 मिनट में निफ नंबर बोल दिया, बना दिया, इंग्लिश बोलता था। फिर उसने रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं मांगा क्योंकि मेरा यूरोपियन रेजिडेंस और मेरा पिछला एड्रेस था ऑस्ट्रिया का, तो वो देख के उसने वो बना दिया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आपके मतलब पैसे तक कितने लगे हैं ये सब कुछ जो भी आपने डॉक्यूमेंट? मेरे जीरो, सही, बस ये है कि मिलेनियम बैंक में अकाउंट खुलवाया था मैंने, थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में मैंने सोचा था जल्दी से फाइल लॉक कर दूंगा फिर, लेकिन थोड़ा सोशल सिक्योरिटी के, मेरे को आज जाके मैंने अपॉइंटमेंट लिया तो 2 तारीख का अवेलेबल था, तो वो भी नहीं खुलवाता मैं। लिस्बन जाके ना एक्टिवो बैंक में फ्री में अकाउंट खुल जाता, तो वो थोड़ा, लेकिन फिर भी ठीक है, 8-10 यूरो, 8-10 यूरो को इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रोसेस पूरा फ्री प्रोसेस है, और उन्होंने सिंगल विंडो ऑपरेशन कर रखा है, पूरा स्ट्रीमलाइंड है, इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी अवेलेबल है, सब कुछ इंग्लिश में अवेलेबल है। मुझे तो नहीं लगता कि अगर बंदे को थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी आता है तो कहीं इतना कोई इशू नहीं है, तो किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप कौन से शहर में हैं अभी? मेरे शहर का नाम है ओबिडोज, ये है लीरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कार्डस डी राइना के बीच, ये है पोर्टो और लिस्बन के बीच में, एग्जैक्ट बीच में ओबिदोश, ओबिडोज। यस यस यस, सही है। काफी अच्छा शहर है, और यहाँ पर क्या है, छोटा सा गांव है तो उसमें ज्यादा भीड़ भी नहीं रहती है। अब ये और देखें, अगर फैसल अलवी साहब सुन पा रहे हैं जी अभी भी, तो उनको मैं यही बताऊंगा कि यही फर्क है आपके दोस्त में और इनमें। ये एक छोटे शहर में बैठे हैं जहां पे चीजें कंपैरेटिवली आसान है, बजाय उस जगह पे कि जहां पे ना भीड़ लगी हुई है और इतने ज्यादा लोग हैं अपना काम करवाने के लिए, और वो जनाब वो अपनी जान छुड़ा रहे हैं, जाएं जी आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। जिस शहर में ये है, मुझे ओबिदोष का वैसे तो पता है, लेकिन चीज का नहीं पता जिनका ये जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ये जहां भी गए होंगे, मैं दावे से कह सकता हूं कि आगे जो भी स्टाफ बैठा था, उन्होंने 100% इनको फ्रेंडली ट्रीट किया बिल्कुल होगा, और उनकी फ्रेंडली, होगी कि इनका काम वो कर सके, या वो रास्ता बता रहे होंगे कि जी आप ऐसे नहीं तो चले, फिर ऐसे कर रहे हैं, ये ले आए वो ले आए, बताएं जी। करेक्ट करेक्ट। वो मेरे को क्या है, यहाँ पर दिसंबर तक के लिए सोशल सिक्योरिटी का अपॉइंटमेंट नहीं था, तो उस बंदी ने जो आज बैठी थी काउंटर पे, उसने कहा कि आपको तो अपॉइंटमेंट चाहिए, आप ऐसे सोशल सिक्योरिटी नहीं आ सकते लेने। मेरे को लगा निफ्ट की तरह मिल जाएगा एक दिन में, मैंने कहीं पढ़ा भी था, तो उसने कहा दिसंबर तक हम पर अपॉइंटमेंट नहीं है। मैंने कहा प्लीज कर दीजिए, कुछ ना कुछ देख लीजिए। तो उसने क्या किया, नेक्स्ट टाउन है उसका नाम है बम्बारल,
बगल में ही है, 9 किलोमीटर दूर। तो उसने कहा 2 तारीख का यहाँ पर अपॉइंटमेंट है, अगर आपको चाहिए तो मैं दे देती हूँ। मैंने कहा आप दे दीजिए, बिल्कुल भाग के दो। उसने मेरे को अपॉइंटमेंट दे दिया, फॉर्म भर के दे दिया और सारा प्रोसेस इजीली हो गया। तो 2 तारीख को वो मिल जाएगा सोशल सिक्योरिटी। और उसके लिए भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कुछ नहीं चाहिए, खाली पासपोर्ट चाहिए आपका, NIF नंबर चाहिए और बैंक अकाउंट हो तो और भी अच्छा है। तो मतलब बहुत इजी प्रोसेस है। आप ओरिजिनली कौन कौन से कंट्री और शहर से हैं? मैं हूँ इंडिया से हूँ, मैं दिल्ली से, दिल्ली वाले हम, थोड़ा तो ये सब चीजें हैंडल कर चलो लेते हैं इसलिए। हाँ ठीक है साहब, गुड लक जनाब, अपना एक्सपीरियंस टाइम टू टाइम आके इधर हमारे साथ शेयर करते श्योर, रहे। मैं एक्चुअली यूट्यूब के ना आपका कहीं ना कहीं कमेंट कर देता हूँ ताकि लोग कोई देख लेना तो उसको हेल्प मिल जाए कि किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, 1 दिन में NIF बन रहा है, 5 मिनट में काम हो जाता है और NIF बनते ही आपके सारे काम इजिली हो जाते हैं। तो आप तो आरपी खुद लॉक करने जा रहे हैं? हाँ, प्रोसेस तो मेरे को तो बहुत इजी प्रोसेस लगा है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मेरे को डर ये था कि यहाँ पर आऊंगा बहुत सारे इमिग्रेंट्स होंगे, वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। यहाँ पर तो इतना फ्रेंडली लोग, मैंने मतलब कहते थे लोग कि पोर्चुगीज के लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, और वाकई में मेरे को देखा कि यहाँ पर मतलब आपको ये कोई दूसरी बार बंदा नहीं देखता। एक बार को ऑस्ट्रिया जर्मनी में आप जाओगे छोटे टाउन पर तो दूसरी बार नजर उठा के देखेगा, लेकिन यहाँ पर ये मेरे को लगता है कंट्री ऑफ इमिग्रेशन है पक्का, कोई आपको दूसरी तरफ देखता नहीं है, आप कहीं भी जाओ कुछ भी करो। तो इस हवाले से ना बहुत बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पर। हाँ चले कपिल साहब, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड विश ठीक जनाब। है, ठीक है, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट।